Hey guys, welcome to Zoom class. My name is Prasad and today with me our special guest Bipin Patil and Deepak. इस बार जो CAPF एग्जाम हुआ है उसमें रीमेडिकल मिला था, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीमेडिकल का ओवरऑल प्रोसेस कैसे रहता है, उसमें किन किन टॉपिक्स पे या किन किन इश्यूज़ पे आपको रीमेडिकल मिल सकता है और उसका एक ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, जो भी नए स्टूडेंट है उनके बारे में उनके लिए एक ओवरऑल इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कब रीमेडिकल या कौन से स्टेज पे रीमेडिकल मिलता है। तो आपको तो पता ही होगा कि पेपर वन और पेपर टू जो फर्स्ट स्टेज है एग्जामिनेशन की, उसमें आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है। पेपर वन होता है 250 मार्क्स का और पेपर टू होता है 200 मार्क का जो कन्वेंशनल है। पेपर टू में आपको 50 मार्क्स नंबर लाने ही है और पेपर वन जो है वो क्वालिफाइंग है, आपका जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगा वो क्वालिफाई करने के बाद ही आपका पेपर टू चेक होगा। इसके बाद जितने भी वैकेंसीज है उसके ऑलमोस्ट 6 times मेरे ख्याल से 6 times स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और इस स्टेज पे जो भी बंदे क्लियर करते हैं फिजिकल को उनको अगली स्टेज में इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और जो बंदों को प्रॉब्लम आता है, जैसे अब फिजिकल में 3 parts है, एक तो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 3 parameters चेक होते हैं, आपकी हाइट चेक होती है, आपका वेट चेक होता है और आपका चेस्ट चेक होता है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है, अगर हाइट का मेरे ख्याल से 165 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए और 157 गर्ल्स के लिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे कमेंट में सेक्शन आ रहा है सर 157 हाइट है, हम अप्लाई करें कि नहीं करें। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप करिए, ये एक प्रोसेस से जाइए। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 1 to 1.5 centimeter हाइट जो है वो कम मेजर होती है, हर जगह पे ये इशू है। पर एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, आपका अगर क्या पता इंस्ट्रूमेंट्स अपडेट हो जाए तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो अगर 157 है फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। तो ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, इसमें रीमेडिकल नहीं होता है। दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, इसमें होते हैं 4 events, एक तो होता है कि लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 800 और 100 मीटर्स का रनिंग का। इसमें अगर कोई बंदा क्वालिफाई या क्लियर नहीं करता है तो वो डिसक्वालीफाइड है। क्वेश्चन आता है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जिसमें रीमेडिकल मिलता है जी, ठीक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिपिन, आपने रीमेडिकल दिया है और आपने क्लियर भी किया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब एक ही स्टेज दूर है आप इंटरव्यू के बाद। तो ये आपका रीमेडिकल का एक्सपीरियंस कैसे रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जूम क्लास फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टेल मी समथिंग अबाउट द रीमेडिकल। जैसे कि आपने पहले बोलिया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 4 events होते हैं, इसमें से अगर 4 events में अगर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए आप, या आप कौन सा ही एक इवेंट अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो बाद में आपको वहाँ पे अनफिट करार किया जाएगा और बाद में आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। अगले दिन होता है मेडिकल नॉर्मली, और मेडिकल में नॉर्मली जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो अगर आप क्लियर करते हो तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो। अगर उसमें से अगर कोई एक इशू अगर वो पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि उसमें बहुत इशू है, जैसे कि ओवरवेट हो सकता है आपको, कोई जगह पे टैटू हो सकता है, या आईज का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई किसी ने लेसिक सर्जरी की होती है, या कोई बीपी का इशू होता है, या किसी के ब्लड और यूरिन में कुछ ज़्यादा प्रोटीन या कुछ ग्लूकोज वगैरह कुछ पाया जाता है, तो उन सभी लोगों को रीमेडिकल की अप्लाई करना होता है। और रीमेडिकल नॉर्मली जो होता है वो दिल्ली में जाना पड़ता है आपको, और दिल्ली में झरोड़ा कॉलोनी में आपका हो गया था हो जाता है। तो ये आपको रीमेडिकल किस में मिला था? हाँ, मुझे पर्टिकुलरली मिला था तो आईज़ के लिए मिला था। मेरे से एक गलती हो गई थी जब मैं फिजिकल क्लियर किया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे चश्मा लगा है या मुझे कोई स्पेक्स लगा है, मुझे लगा था मेरे को सब दिखता है, तो फिर मैं ऐसे ही गया। हाँ, तो अभी चश्मा पहन के आया हूँ। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर फिजिकल के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपका आइस चेकअप करिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे सब दिखता है, लेकिन वहाँ पे जब गया तो जो वो टेस्ट पे स्क्रीन पे जो लाइंस है तो मुझे पहले 2-3 lines दिखी, बाद में 3 के बाद में जो लाइंस थी मुझे नहीं दिखी, तो डॉक्टर बोले कि आपको नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला कि जी नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे रीमेडिकल दिया। ओके बिपिन, जैसे आपने बात किया कि जो अपना फिजिकल रहता है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके लिए रीफिजिकल नहीं है, ठीक है, और जो मेडिकल का प्रोसेस है उसके लिए सिर्फ रीमेडिकल है।
तो बाकी सब बच्चों के मन में जो डाउट है कि उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो उसका एक ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है कि अगर मुझे रीमेडिकल मिला है तो उसके लिए मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो उसका एक ओवरऑल प्रोसेस आप बता दीजिए कि वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। रीमेडिकल जिस जिस कैंडिडेट को दिया जाता है वहाँ पे आपको एक 3 पेज का फॉर्म दिया जाता है, उसमें एक कैंडिडेट कॉपी होती है, उस कैंडिडेट कॉपी में आपको एक स्पेसिफिक रीज़न दिया जाता है ब्रैकेट में कि आपको किस वजह से दिया गया है। तो मुझे आइज का था, मुझे दूर का डिस्टेंस विजन डिफेक्टिव करके बोला था, तो आइज का इशू ये है कि 6-6 विजन और 6-9 विजन अगर है आपकी तो ये चल सकती है CFF के लिए 6-6। हाँ, और जो स्पेक्स का नंबर है वो +4 या -4 तक चल सकता है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ अगर आपको कितना भी नंबर है सिर्फ स्पेक्स लगाइए और जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो है, ये जो इवेंट हुआ ये दिल्ली में ही होता है या जैसे फिजिकल का तो 4 सेंटर पे होता है, वर्री मेडिकल बस एक ही जगह पे होता है? जी, पूरे इंडिया में अगर आप कहीं भी PET दोगे, लेकिन रीमेडिकल के लिए आपको झोरड़ा कलन CRPF कैंप में दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। और ये जो दिल्ली में आप फिर प्रोसेस क्या रहा, जैसे हाँ, आप एक ही दिन में हो गया या फिर आपको 2-3 दिन में इसमें प्रोसेस चला जैसे फिजिकल का होता है? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि मेडिकल के बाद अगर आपको जो बंदे क्लियर है उनको फिट सर्टिफिकेट दिया जाता है और जो अनफिट है उनके लिए एक फॉर्म दिया जाता है, उसे हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। और वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे हमें एक फ़ोटो लगानी होती है और किसी भी एक गवर्नमेंट या सिविल हॉस्पिटल में जाके हमको ये चेकअप करके, अभी मुझे आइस का मिला था तो मैंने पूना से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाके चेकअप किया, उनका मेडिकल फिटनेस उन्होंने दिया सर्टिफिकेट, उनका स्टैम्प्स वगैरह कुछ थम्स वगैरह लेके, उनका साइन सिग्नेचर लेके हमें वो RK पुरम न्यू दिल्ली में वहाँ पे पोस्ट किया करना होता है, जो कि वहाँ पे उस फॉर्म में सब डिटेल्स दिए होती है। अगर आप वो वहाँ पे सेंड करते हो तो आपको एडमिट कार्ड उनकी तरफ से आ जाता है रीमेडिकल के लिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को तो फिर आई में ही मिला था मैंने ऐसे सुना है। हाँ, क्योंकि मेरे जैसे मतलब बहुत केस थे कि और वहाँ का मेडिकल बोर्ड भी ऐसा था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था इस बार ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना अपना काम करते हैं अच्छी तरह से। अभी मेरा इशू था, मेरा कुछ केयरलेसनेस ही था, क्योंकि अगर मैंने चश्मा चेक किया होता तो मुझे शायद रीमेडिकल की नौबत नहीं आती। विपिन, ये बता दीजिए कि आप वहाँ पर जाते हैं तो जैसे कि हमारा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस रहा, जैसे कि 10K 12K और डिग्री के मार्क्स से चेक करने जाते हैं, तो वहाँ पर रीमेडिकल के लिए जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस क्या रहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, एक बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि क्या है मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली कि मैंने भी दो सेट लिए थे जेरोक्स के और ओरिजिनल भी ले लिए था, लेकिन वहाँ पर जाके हम जब CRPF कैंप में झोरड़ा कलम दिल्ली में पहुँचे तो वहाँ पे कुछ नहीं, बस वहाँ पे गेट पे उन्होंने एक लाइन पे खड़े किया और जैसे हमारे PET में हुआ था फिजिकल एफिशिएंसी वैसे ही, सिर्फ ID लिया उन्होंने, एक नोटबुक में उन्होंने एंट्री ले ली और अंदर छोड़ दिया। और अंदर भी जाके कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म में आपको 2 फोटो लगाने थे, 2 फॉर्म दिए, एक आपके हमारे लिए और उनके लिए, ऐसा दोनों फॉर्म है और दोनों सेम ही है। एक वहाँ पे 2 फोटो लगाएंगे आपका, कुछ या 2 ऐसे स्पॉट लिखने होते हैं वहाँ पे, जो हम वहाँ पे PET देते हैं जिधर भी, जैसे कि मैंने दिया था कि मेरे हाथ पे 2 मोल है या मेरे चेस्ट पे मोल है, आइडेंटिफिकेशन मार्क करेक्ट, आइडेंटिफिकेशन मार्क सिर्फ याद रखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे, नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, बस ऐसे एक ही पेज का फॉर्म होता है, सिर्फ वही फिल करना है आपको। डॉक्यूमेंट्स की कोई डिमांड नहीं की थी। और ये अभी नेक्स्ट मेरा सवाल ये है, हम इंडिविजुअल जो रीमेडिकल मिला था उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे आ रहा है कि सर टीथ में प्रॉब्लम है, टेढ़े मेढ़े टीथ है, ऐसा कुछ है तो, या फिर किसी ने कैप लगाया है, तो इसका भी क्या कैसे एक्सपीरियंस रहा, कोई था ऐसा स्टूडेंट? हाँ, मतलब हम वहाँ पे गए थे तो शायद मुझे लगता है कि मेरा जिस दिन था वहाँ पे 50-70 कैंडिडेट्स थे, तो वहाँ पे 3 मेडिकल बोर्ड्स थे, तो 3 मेडिकल बोर्ड्स में एक बोर्ड था वो आई स्पेशलिस्ट के लिए था और बाकी के 2 जो है वो जनरल बोर्ड्स थे, और जनरल बोर्ड्स में वहाँ पे हम जो केस बाय केस वहाँ पे वो बोर्ड्स एलोकेट किए गए थे, जिसमें टिथ था, ओवरवेट था, BP के कुछ इश्यूज थे और कुछ स्किन डिसीज के थे, टैटू वगैरह वैसे। तो टिथ की स्पेशली बात की जाए तो टिथ में अगर आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा दांत है तो भी चलेगा, ऐसे कोई नहीं है, लेकिन बहुत ही सीवियर कुछ प्रॉब्लम है तो दिक्कत आ जाए। नॉर्मली ऐसे कुछ केस मुझे तो सामने नहीं आए कि टिथ की वजह से उनको बाहर कर दिया हो, अनफिट कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि कई बच्चों का रीमेडिकल के बाद भी रिजेक्शन हुआ,
कि हाँ, तो मेजर प्रॉब्लम क्या थी उनकी, उसके बारे में बताइए कि वहाँ पर भी जाकर रिजेक्शन होता है, तो उसको कैसे केयर करें? क्या आप एक बार फिर से बता सकते हैं? रीमेडिकल में अगर किसी को रिजेक्शन होता है हाँ, तो उसके बाद क्या प्रोसेस? अगर रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड ही है, क्या उसको भी कहीं अपील कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक केस था मेरे फ्रेंड, जहाँ पे मैं रुका था दिल्ली में, वहाँ पे एक फ्रेंड था, उसकी लेसिक सर्जरी हुई थी। लेसिक सर्जरी बहुत बंदों ने की होती है, लेसिक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेसिक अलाउड है, अगर आप 6 मंथ्स उनका कुछ ड्यूरेशन है, अगर 6 मंथ्स के पहले आपने किसी भी लेसिक की, पर्टिकुलरली लेसिक के केस में 6 मंथ्स की वो वहाँ पे वो टाइम लिमिटेशंस है। और उस बंदे का ऐसा था कि लेसिक सर्जरी की तो पहले क्या किया, उन्होंने शॉर्ट आउट किया कि जिस जिसने लेसिक किया है वो बंदे बाजू एक ग्रुप में कर दिए, और उनको 7,000 रुपीज़ पे करने पड़े, हर लेसिक सर्जरी वाले को 7,000 रुपये भरना पड़ा, और उनके लिए अलग से टेस्ट करवाने पड़े। वो वहाँ पे अलग हॉस्पिटल होता है, वो अलग हमारे जहाँ से जरोड़ा कलन से वो बस सर्विस फैसिलिटी देते हैं, और वहाँ से वो आपको लेसिक सर्जरी के सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होता है, और बाद में उनका रिपोर्ट आ जाता है। तो मेरे एक फ्रेंड का केस ऐसा हुआ था कि उसका कॉर्नियल थिकनेस जो था उसकी लिमिट 435 mm थी, लेसिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसको 434 mm दिया गया, 1 mm से उनको अनफिट कर दिया गया था, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है मतलब अभी आईज के लिए। बाकी के जो जितने जितने थे, जैसे मेरे जैसे केस थे जिनका स्क्विंडल था, उनको सभी को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, लेकिन लेसिक का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस साल से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि सभी लेसिक को अनफिट कर दिया है, जो ऐसे क्राइटेरिया में जो नहीं बैठे उनको ही सिर्फ अनफिट किया। और एक था कि टैटू का बारे में भी कुछ तो नए रूल्स है, जैसे कई लोगों का टैटू होता है, उसके बारे में भी कोई था जिसको रिजेक्शन मिला है? जी, मेरा भी एक फ्रेंड था, टैटू के लिए लेफ्ट हैंड में था उसका, तो उसके कुछ नहीं, उसको उसने लेजर ट्रीटमेंट किया था और टैटू को रिमूव कर दिया था, थोड़ा स्कार रह गया था लेकिन चलता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ उसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपको जो सैल्यूटिंग हैंड होता है, जैसे हम ऐसे सैल्यूट करते हैं, तो यहाँ पे जो है इस साइड को, यहाँ पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैल्यूट अगर होता है और वहाँ पे जो आपको टैटू दिखता है तो एक प्रकार का वो अच्छी बात नहीं है, मतलब वो एक प्रकार का डिफेमेशन होता है। ओके, तो फिर ये आपका रिजल्ट कब आया, जैसे पूरा प्रोसेस हो गया एक ही दिन में आ गया? जी, जैसे कि हमने पहला वहाँ पे ग्रुप में डिवाइड हुए, उनका फॉर्म फिलअप करके दिया, बाद में हमें आईज के लिए था, फिर आईज ओपीडी के लिए हमें भेज दिया, और वहाँ पे सभी केस बाय केस एक 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 हो गए। जैसे हमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में चेस्ट नंबर दिया था, वैसे ही रोल नंबर की तरह से हमें नंबर दिया गया था, एक बाय एक हो गया, और बाद में सभी का होने के बाद ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो शाम को मुझे लगता है 6:30 या 7 बजे तक हमें वो एक लेटर दिया था फिट करके। एक कमेंट में आया था कि जैसे रीमेडिकल के लिए अलाउंस भी मिलता है क्या, जैसे इंटरव्यू के लिए जैसे मिलता है, तो जैसे दिल्ली में जाना पड़ता है तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ मिलता है? जी, मेरा भी क्वेश्चन यही था पहले जब मैं नहीं था, क्योंकि हाँ मुझे लग रहा था शायद रीमेडिकल के लिए लगेगा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था वहाँ नोटिफिकेशन में, लेकिन कुछ मिला नहीं वहाँ पे। हाँ, ढूंढ रहा था, और लेकिन नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ नहीं है। हाँ, आपने जैसे कहा कि इंटरव्यू के लिए पर्सनलिटी टेस्ट के लिए है, तो पर्सनलिटी के लिए है, रीमेडिकल नहीं है। नहीं, मेरा सवाल भी यही था कि आपको क्या लगता है कि अकोमोडेशन जो फैसिलिटी होती है वो देनी चाहिए, जैसे कि अकोमोडेशन का जो फैसिलिटी है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ से लोग बच्चे आते हैं, आपको जैसे आपने बोला कि हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे देना चाहिए गवर्नमेंट या यूपीएससी वालों ने देना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब अभी क्या है ना, सभी को दिल्ली के लिए जाना पड़ता है, तो दिल्ली के सभी यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होते, जैसे मेरा भी फ्रेंड नहीं था, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता था, तो वहाँ पे महाराष्ट्र सदन की फैसिलिटी है, तो मैंने वहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, महाराष्ट्र सदन में कॉल किया और बोला कि सर मेरे रीमेडिकल मिला है CAPF के लिए एग्जाम के लिए, मुझे रहने के लिए कोई एकोमोडेशन मिल सकता है क्या? तो उन्होंने बोला कि मिल सकता है, लेकिन आपको मेल करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको हॉल टिकट अटैच करना पड़ेगा। तो मैंने उसे वहाँ पे वो प्रोसीजर फॉलो कर दी, और बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बोल दिया कि आपको अगर महाराष्ट्र सदन में रहना है तो आपको 1,500 रुपये पर डे के चार्ज लगेगा। तो हाँ, 1,500 रुपये ज़्यादा हो गए, तो मैंने सोचा कि यार कुछ होटल ही बुक कर देता हूँ तो उससे कम हो जाता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि क्या है कि अगर आप मेल करते हो और हॉल टिकट भी ऑफिशियली आप सेंड करते हो तो आपको 500 रुपये पर डे है, वो न्यू महाराष्ट्र सदन के लिए है।
और जो ओल्ड महाराष्ट्र सदन है उसके लिए तो 85 रुपए, ऐसा मुझे पता ये चला। महाराष्ट्र के लिए हुआ, अलग जी अलग अलग स्टेट के लिए अलग सदन होगा तो शायद वो कर देंगे। हाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका सिंपल एक है, अगर आपके यहाँ के एमपी है, एमपी का ही वहाँ पे एमपी सदन होता है, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस रीमेडिकल के बारे में, आपको कुछ सजेशन स्टूडेंट्स को देना है जी? रीमेडिकल के लेकर मेडिकल के लिए कुछ ऐसे केसेस है जो कि कुछ अलाउड ही नहीं करते हैं, जैसे कि वेरिकोज वेंस, जैसे कि हमारे पैर में जैसे वो अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड्स की वो वेंस होते हैं, वो बाहर से दिखते हैं, तो वो अलाउड नहीं है, वेरिकोज वेंस इज नॉट अलाउड। देन बाद में हिमोराइड्स, जिसे पाइल्स और मराठी में उसे मुड़व्या जो कहते हैं, अच्छा। वो भी बिल्कुल नहीं है। एक केस था, पाइल्स का केस था, उसने सर्जरी की थी, तो वहाँ पे उसे मेडिकल रिमेडिकल दे दिया, लेकिन बाद में उसे सर्जरी की है, इसीलिए आपको उनको अनफिट कर दिया गया। और हर्निया भी, किसी भी प्रकार का हर्निया उस नोटिफिकेशन में भी दिया है कि एक्सेप्टेड नहीं है, कौन से टाइप का, उसको मतलब रिमेडिकल मिलता ही नहीं है। हाँ रिमेडिकल मिलता नहीं है ऐसा? हाँ मतलब रिमेडिकल मिलता है, लेकिन वहाँ पे जाके आपको रिजेक्शन मिलना पड़ता है, तो केस बाय केस वेरी करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अप्लाई ही ना कर दो, पहले अप्लाई कर दो, हाँ बाद में देखेंगे वहाँ पे, हाँ ऐसा कुछ नहीं। और ओवरवेट के बहुत सारे केसेस होते हैं, आईज के, और इस बार ओवरवेट के सबसे ज़्यादा केसेस थे। और बीपी में भी एक इशू था, मतलब बीपी में क्या होता है, जब हम मेडिकल लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऊट बशा क्या कहते हैं उनको, वो निकालने पड़ते हैं 25, तो अगर आप बहुत जोर जोर से निकालते हो तो आपका बीपी हाई होता है, और बाद में वो तुरंत चेक करते हैं, अच्छा। तो उसमें क्या था इशू कि बीपी हाई होता था, तो हमारे इम्पोर्टेंट ये है, प्रिफेयर भी करे, और वहाँ पे जो हम वो अप डाउन से करते हैं या ऊट बशा जिसे मराठी में कहते हैं, माफ करिएगा हिंदी पता नहीं है मुझे, जो करते हैं सिटअप्स करते हैं, वो स्लोली करना चाहिए, 24 ही करिए 25 ही करिए, लेकिन स्लो स्लोली करिए, जिससे आपका बीपी ज़्यादा ना हाई हो। इसमें कुछ मेरे ख्याल से इसमें सजेशन ये भी रहेगा, अगर जैसे फिजिकल के लिए हमें 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करना ही है जी, तो अगर आप हाँ। फ्लो में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप जैसे 1-2 दिन पहले कर रहे हैं और तुरंत मेडिकल में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आ सकता है जी। जी प्रॉब्लम तो वैसे आता नहीं है, जैसे आपने कहा 1.5 महीने अगर प्रैक्टिस करते हो तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है जब हम वहाँ पे थोड़ी सी टेंस सिचुएशन होती है, जहाँ पे मेडिकल बोर्ड होता है वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, और हम जो उनको देखते हैं, तो शायद आपको हम कुछ टेंस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन उतनी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आराम से क्लियर हो जाता है। और दिल्ली का जो झरोड़ा कलोन का मेडिकल बोर्ड है वो बहुत ही मतलब अच्छा है, कोऑपरेटिव है। मुझे आईज के लिए 3 डॉक्टर थे, 2 लेडीज थे, 1 जेंट्स था, और कुछ नहीं मतलब बहुत ही रिलैक्स होता है, वो खा पी के आपका चेक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप क्या यार ऐसा कैसे, बहुत रिलैक्स होता है और हो जाता है मेडिकल। ऑलमोस्ट आईज के केसेस में तो 99% सबको क्लियर कर दिया, जो कि माइनर लेसी के वगैरह उनको ही कुछ 1-2 केसेस थे उनको अनफिट किया, और सक्सेस रेट भी बहुत ही अच्छा है रिमेडिकल का, ऐसा कुछ नहीं है, रिमेडिकल मिल गया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच बिपिन, आपने हमें टाइम दिया और ये बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बिपिन सर को बोलेंगे उसको आंसर करें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी CAPF को लेकर और कोई भी डाउट हो, अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको अगर मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड है उनका आपको इंटरव्यू अवेलेबल करें, अगर उसकी भी रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। So thank you very much. Thank you so much for giving me such opportunity. Thank you. All the best for future races.